सीमा हैदर के अगेंस्ट FIR भी हुआ था, आप अगर याद करें। इस केस में हो क्या रहा है, क्या पनिशमेंट मिला कि नहीं, आज इतने दिन बीत गए, क्या इस केस के बारे में कभी आपको पता चला है? जो पत्रकार, मैं समझता हूं कि नहीं पता चला होगा, क्योंकि केस चला ही नहीं होगा। क्या इतने दिनों से रहने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया? क्या पुलिस को अकाउंटेबल नहीं किया जाना चाहिए? आपका फॉरनर एक्ट किस लिए बना है? जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों, सीमा हैदर का बोरिया बिस्तरा लगभग जो है बंद चुका है, बहुत जल्द जो है आपको यानी पाकिस्तान में नज़र आएगी। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो हमारे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील शशांक देव, उनकी एक वीडियो आई थी दोस्तों, जो कि हमने आपको कल दिखाई थी। दोस्तों, वो पहला पार्ट था, आज दूसरा पार्ट दिखाएंगे। और हमारे वकील साहब ने बहुत ही अच्छी बातें दोस्तों इस पार्ट में जो है की है, यानी इस वीडियो में की है। उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छी लगेगी दोस्तों। और सीमा हैदर का बोरिया बिस्तरा लगभग जो है बंद चुका है, वकील साहब जो है यानी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, एक बार आप ये वीडियो देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर इलीगली जो है बिना वीजा के एंट्री कोई करता है तो उसकी सजा अलग होगी, राइट? अगर कोई स्कूल में अगर कोई एडमिशन कराता है बच्चे का, चाहे वो वहां पर भेजता है, तो ये भी इलीगल कार्य है, इसकी सजा अलग होगी। आखिरकार कोई भी गैर कानूनी लोग अगर हमारे देश में आते हैं तो एक सिंपल FIR करने में पुलिस को कहां क्या हो रही है? सवाल ये उठ रहा है शशांक जी कि इतने सारे नियम कानूनों का आपने हवाला दिया, आपने सजा के प्रावधान के ऊपर भी प्रकाश डाला, लेकिन इनको सजा ना देकर जेल से बाहर ये कहकर भेज दिया जाता है कि बिचारी प्यार की मारी है, क्योंकि ये अकेली नहीं आई है, अपने साथ चार बच्चे भी लेकर आई है। तो चार बच्चे भी हैं, इलीगल एंट्री उनकी भी हुई है, इसकी भी हुई है, प्लस इतनी भीड़ को जो इसके घर में एंट्री दी जाती है कि जाओ जी एक बाहर की एक बिल्कुल सुपरस्टार महिला आई है, जाओ उससे मिलके आओ। और ये भी पता है कि कई लोग हैं जो इसकी एंट्री से नाखुश हैं, तो कल मान लीजिए, क्योंकि ये तो एंट्री बहुत इजी हो गई है ना, कल कोई पाकिस्तान का कोई और बंदा घुस जाएगा कि भाई सीमा से तो अब बदला लेना, ये कैसे घुस गई है एंट्री। मान लीजिए वहां उसके घर में कोई धमाका ही हो जाए, कुछ हो जाए, इतने लोग जो वहां आते हैं उनके साथ कुछ हो जाए, तब क्या सरकार फिर ऐसे ही चुपचाप बैठी रहेगी हाथ पे हाथ धर के, या इंतजार कर रही है कि कुछ घटना घटे तब हम एक्शन लें? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, आज जो प्रेजेंट है, वो व्यवस्था बड़ा ही अपने आप में खामीपूर्ण व्यवस्था है, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से जो घटनाएं घट रही है सभी के सामने है, लेकिन ये लोग बिना कानून के की प्रवाह किए हुए ये लोग गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो उसको परमिट कर रही है कि आप रहो। तो आप ये बताएं कि आप ऐसे पत्रकार इस बात को ये उठा रहे हैं समाज में ये कहते हुए कि ये गैर कानूनी है, और इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, लेकिन पुलिस जो है वो FIR नहीं करती है। आप प्राइमा फेसाई जो है वीजा एक्सपायरी अगर हो गया है तो प्राइमा फेसाई सी इज गिल्टी, और उसके बाद भी जो है वो नहीं करता है, तो आपको ये बड़ा, मैंने मुझे तो लगता है कि ये बड़ा गलत कार्य है, और ये इसके ऊपर जो है मैं पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कंसर्न पुलिस के ऊपर, कि आखिरकार इतने लोग, इतने पत्रकार, इतने मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं, उसके बावजूद भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वह बिना कोई एक्शन लिए हुए जो है वो काम कर रही है। बड़ा वो बने, देखिए जो इंडियन नेशनलिटी लॉ है हमारा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ठीक है, विच वाज अमेंडेड बाय द सिटीजन एक्ट इन 1986 में भी अमेंडमेंट हुआ है। अगर इस तरह से हमारे यहाँ NRC लाया गया है, ये सब के बावजूद अगर इस तरह के लोग गैर कानूनी जैसे आज इनको अगर देखा जाए तो ही इज अ वुमन who is living in India without either a valid Indian citizenship or visa.
और जो सेंट्रल जो इलीगल इमिग्रेंट है वो सब्जेक्ट टू द फॉरनर एक्ट 1946 है ना, विच डिफाइंस द फॉरनर एज ए पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के अगर लोग बिना कानून और गैर कानूनी लोग रह रहे हैं बिना कोई एक वैलिड लाइसेंस के, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आज ये लोग इसलिए हमारे देश में आते हैं कि हमारे देश के कानून में खामियां हैं। आज लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ जानते हैं कि हमारी नानी न्यायिक व्यवस्था जो है देर से काम करती है, और ये इस लोग आते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के लोगों को संरक्षण देती हैं। तो कई कारण है कि ये लोग का जो मोराल है, जो इन लोगों का जो डिटर्मिनेशन है, वो इतना मजबूत हो गया है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसके सामने हेल्पलेस जो है दिखाई दे रही है। तो मेरा यही कहना होगा कि ये सजा का प्रावधान होना और उसको इम्प्लीमेंट कराना, ये दोनों में एक गैप है, और इसी गैप का फायदा लेकर के सीमा हैदर और सोनिया अख्तर जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के लोगों को आपने जैसे बताया कि जॉब दे रहे हैं, तो यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम कानून के तहत क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए? देखिए, इसके रोकने के लिए तो आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन ही दे सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन नॉट रेज योर वॉइस इन द पार्लियामेंट। यू कैन रेज द वॉइस ऑफ योर इन पार्लियामेंट थ्रू योर यू नो चूज एन रिप्रेजेंटेटिव। आप जो कर सकती हैं वो ये कर सकती हैं कि यू कैन मेक ए रिप्रेजेंटेशन टू द कॉमन अथॉरिटी, टू द कंसर्न अथॉरिटी, रेज योर वॉइस, यू नो पिन पॉइंट द इलीगैलिटीज विच आर बीइंग डन। So all these kind of things, you know, can be done by the citizen of this country. Because beyond that, you cannot do anything. You go to the police, not once, twice. You go repeatedly. Ki this is a lady who has been staying illegally in our country, and there are provision of law. I know you. Please register in case. Foreigners Act 1946 ka ulangan hai, Section 14 ka, jisme jo hai. वो जो इलीगल पर्सन में भी इम्प्रिजन एंड डिपोर्टेड अंडर द फॉरनर्स एक्ट, और ये जो है, ये जो एक्ट है वो रेगुलेट करती है एंट्री एग्जिट और रेसिडेंस को ऑफ द फॉरनर्स एक्ट। और जो आप सीमा हैदर के अगेंस्ट FIR भी हुआ था, आप अगर याद करें उस पर जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस हुआ था, राइट, और ये इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ था, 14 सेक्शन 14 का। अब चूंकि केस एक बार शुरू हो जाता है तो केस लगातार चलते रहता है, लोगों को पब्लिक डोमेन में उसका पता भी नहीं चलता है कि भाई इस केस के अगेंस्ट हुआ क्या, इस केस में हो क्या रहा है, क्या पनिशमेंट मिला कि नहीं, आज इतने दिन बीत गए, क्या इस केस के बारे में कभी आपको पता चला है? जो पत्रकार, मैं समझता हूं कि नहीं पता चला होगा, क्योंकि केस चला ही नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के केस जहां पर कोई बहुत बड़ा जो है एक स्टेक नहीं है, तो उस केस को धीरे धीरे चलाया जाता है। मेरा कहना है कि जब फॉरनर्स एक्ट में आपके ऊपर FIR है, 120B इंडियन पीनल कोड में आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है, उस केस को क्या इसको एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता था? क्या इस प्रकार के जो केसेस को एक टाइम लिमिट में खत्म करके ये एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता था? देखिए, कई सारे प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोगों को देना होगा, क्योंकि देखिए वी इलेक्ट द पीपल, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, हम इसको रूल करते हैं, और हम नेचुरली जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको जो है इसके लिए अकाउंटेबल कर सकते हैं कि क्या कोई इलीगल व्यक्ति हमारे देश में रह सकता है, क्या इतने दिनों से रहने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया, क्या पुलिस को अकाउंटेबल नहीं किया जाना चाहिए? आपका फॉरनर एक्ट किस लिए बना है? जब इसके प्रावधानों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है तो इस एक्ट का क्या फायदा? लॉ इज फॉर रेगुलेटिंग द कॉन्डक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इफ द लॉ इज नॉट रियली रेगुलेटिंग द कॉन्डक्ट ऑफ द पीपल, व्हाट इज द यूज ऑफ द लॉ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट लॉ if the law fails? So it is not that the law fails, I mean I fails the law, we fail the law.
So that is how we are standing right now. It is a serious issue. It must be tackled urgently, immediately, in order to prevent those prospective offenders who are waiting to enter into India under one pretext or the other. So fundamental question जो आपको बार बार मैं आता हूँ कि जब ये फॉरनर एक्ट का उल्लंघन है तो क्या सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? आप फॉरनर एक्ट के आप सेक्शन 14 में इसका जो है क्लियर कट जो है केस बन रहा है और तब भी जो है हमारी सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो दुर्भाग्य की बात है। ये बात छोड़ दीजिए कि वो किसका पति था, उसको प्रूव करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बांग्लादेशी है, एक पाकिस्तानी है, वट एवर इट सी इज, बट ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि सी इज इलीगल माइग्रेंट, सी इज स्टेइंग इन इंडिया, यू नो, एंड कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया, यू नो, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। So, is it not enough for the law enforcement authorities to initiate action against the person? क्या यह एक सही example है? क्या आप उसको देख रहे हैं? वो इतना लोगों को बुला रही है, इतने लोगों कैसे जो है रोज YouTube में जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है, क्या इसके बारे में लोग अभी सोए हुए हैं? उसको कानूनी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? आज इनके कानूनी प्रोटेक्शन अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं से पैसा तो मिलता होगा, और जो लोग इनको कानूनी प्रोटेक्शन इंश्योर कर रहे हैं उनसे पूछा जाए फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग द मनी फॉर द लीगल प्रोटेक्शन। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर इंपॉर्टेंट एंड सर्जिंग इन द माइंड ऑफ द इवन द यू नो सिंगल इंडिविजुअल, बट अनफॉर्चुनेटली इन अ डेमोक्रेसी द मेजोरिटी विंस, है ना? तो मेजोरिटी का जो ये चक्कर है, ये जो चीज है वो सारे लॉ का जो है वो जो इनफेक्टिव कर रहा है। आज हमारे देश में सबको एक साथ यूनाइट होकर के इस चीज को लड़ने की जरूरत है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर इस तरह का काम करता है तो वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना 100 आदमी काम करता है। तो यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। जब हमारा कानून बता रहा है कि भाई वो गलत रह रही है, क्यों नहीं उसके ऊपर जो है FIR हो रहा है? अगर FIR हुआ है तो क्या उसका स्टेटस है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनता को चाहिए और जनता को देना भी चाहिए पुलिस को, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न है और सामाजिक प्रश्न का उत्तर जितना जल्दी हो सके उतना देना चाहिए, सो दैट हमारा समाज मस्ट बी रेगुलेटेड अंडर द लॉ।